काश ऐसा होता मैंने पीएचडी ना ही किया होता तो ऐसा होता, काश मैंने एमएससी नहीं किया होता तो ऐसा होता। मेरी टीचर फर्टिनिटी से रिक्वेस्ट है कि बच्चों को काउंसल करे, सही डायरेक्शन उनको दिखाए, सही टाइम पे डायरेक्शन दिखाए, ताकि वो इस परेशानी में कल को ना फंसे और कल को ये ना बोले कि जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है, जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। इस बेरोजगारी का जो बहुत बड़ा, जो मुझे लग रहा है एक बहुत बड़ा रीजन जो है वो ये भी है कि हमें करियर काउंसलिंग नहीं मिलती है यहाँ पे, कि वक्त पे हमें क्या करना चाहिए वो हम लोगों को नहीं पता है। हमने ग्रेजुएशन करी है तो नहीं पता क्यों करी है, हमने एमएससी किया है करा है तो क्यों करा है नहीं पता है, हम पीएचडी भी करते हैं क्यों किया है नहीं पता। जब तक हमारी नाव बहुत आगे निकल चुकी होती है तब तक हम लोगों को बिल्कुल भी नहीं पता होता है कि व्हाई वी आर डूइंग दिस। इस व्हाई का आंसर फिर हम लोगों को नहीं मिलता है। एट द एंड नतीजा ये निकलता है कि मैं ये मजबूर होता हूँ बोलने पे कि जम्मू कश्मीर में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है। जम्मू कश्मीर में अनएम्प्लॉयमेंट कम हो सकती है, जो आजकल के नए टीचर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट है मेरी कि स्टूडेंट्स को काउंसिल करें सही डायरेक्शन में, सही टाइम पे काउंसिल करें कि वो बेचारे टाइम पे कुछ बन सके। शॉर्ट कोर्सेज उनको दिखाए, शॉर्टकट रास्ता उनको दिखाए, क्योंकि लॉन्ग कट में बहुत दुश्वारियां।